असलकम खीन हजरात थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ टाइम दिया बुलाया लाहौर से और मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके मुल्तान मैंने एक बार और विज़िट किया था चार पाँच साल पहले उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा लगा और इस बार भी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आ, और इंशाल्लाह ये लेक्चर भी आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी उम्मीद है कि मुझे मज़ा आएगा Um, पहली बात मैं ये आपसे uh, माजरत चाहती हूँ क्योंकि uh, मैं पूरा जो लेक्चर है उर्दू इंग्लिश में थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी आपको कोई प्रॉब्लम uh, तो नहीं होगी अगर मैं मिक्स कर चलें ठीक है तो क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा आसान है मेरी आदतें ख़राब हैं मैं ज़्यादा अंग्रेज़ी में लेक्चर देती हूँ लम्स में ज़्यादा अंग्रेजी चलती है तो मैंने लेक्चर भी इंग्लिश में तैयार किया लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा उर्दू में आ, बात करूँ और बीच बीच में कुछ लव्स, कुछ अल्फाज इंग्लिश में भी आ जाएंगे आज जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं आ, जेंडर के हवाले से बात करूँगी जेंडर का लफ्ज़ आप लोगों में से किसी ने सुना है कभी अच्छा चले जेंडर का लफ्ज़ का डेफिनेशन कोई बता सकता है उसका क्या मतलब है अगर हाथ उठा के किसी को मालूम है नहीं कुछ अंदाज़ा होगा कि जेंडर का क्या मतलब है अच्छा जेंडर का मतलब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दो जेंडर्स अलामिया ने बनाए हैं औरत तो और मर्द एक्चुअली एक तीसरा भी जेंडर हम कह सकते हैं और जो ऑफिशियली पाकिस्तान में रेकगनाइज भी आ, हमने थर्ड जेंडर को भी रेकगनाइज किया है जो आ, बहुत कम मुल्कों ने दुनिया में रेकगनाइज़ किया तो कह भी सकते हैं कि थ्री जेंडर्स हैं लेकिन ज़्यादातर मर्द हैं या औरत हैं तो मैं आ, औरतों के हवाले से बात करूंगी आज आई थिंक ये पहला लेक्चर होगा इस इस सब्जेक्ट पर uh, मैंने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है फर्स्ट हाफ में मैं बात करूंगी अबाउट इंग्लिश uh, में मैं कहूंगी अनसंग हीरोज या अनसंग शीरोज दोज हिस्ट्री जिनके बारे में uh, हम कम सुनते हैं लेकिन जिनका बहुत uh, बहुत किरदार बहुत ज़्यादा है जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है तो मैं उनके बारे में बताऊँगी लेकिन बात यह है कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो औरतों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है वो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि वो इन्विज़िबल रहा है मतलब हम उसको देख नहीं पाते हैं वो वो चीज़ें दब जाती हैं छुप जाती हैं और हम स्कूल में भी उनके बारे में सुनते नहीं हैं पढ़ाया नहीं जाता है आ, इसकी मुख्तलफ़ वजूहत हैं अमूमन मैं जब क्लास देती हूँ तो फिर मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ कि उनका क्या आइडिया है कि मतलब हम औरतों के बारे में क्यों इतना ज़्यादा सुनते नहीं हैं सीखते नहीं हैं इसकी रीज़न कोई बता सकता है क्यों ज़्यादातर हम क्यों नहीं सुनते हैं मतलब अगर आप हिस्ट्री की किताब उठाएं तो उसमें सौ मर्दों में शायद एक औरत का नाम होगा या दो बहुत कम या राइटर्स को अगर हम देख लें तो उसमें भी सौ मर्द होंगे दो तीन औरतें होंगी क्यों बिकॉज दे हैव लेस अपॉर्चुनिटीज़ ये एक रीज़न <laughs> है कि दे हैव लेस अपॉर्चुनिटीज तो औरतों को हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं एजुकेशन um, में भी उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जॉब्स में भी कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लीडरशिप में भी हम उनको कम मौका देते हैं और कोई रीजन होगी बायसनेस प्रेजिडेंस है बायसनेस है हम ताब उसको कह सकते हैं कि हमें लगता है कि ये औरत कर ही नहीं पा सकती है मतलब ये कमज़ोर है ये यू you नो know, उससे नहीं होगा तो उसको हम मौका नहीं देते हैं और क्या हो सकता है अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ज़्यादातर जो किताबें भी लिखी गई हैं वो ज़्यादातर मर्दों ने लिखी हैं तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये विशिष्ट साइकिल है कि मर्द लिखते भी हैं तो फिर वो नजरअंदाज भी कर लेते हैं जो औरतों का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा तवज्जे मर्दों पर ही देते हैं ज़्यादा औरतों को इतना आ, मतलब तवज्जे नहीं देते हैं उनको रोशनी नहीं डालते हैं उनके किरदार पर तो इस वजह से भी जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम कम सुनते हैं लेकिन रीज़न ये नहीं है कि औरत औरतें कुछ कर नहीं रही हैं जाहिर सी बात है आधी पॉपुलेशन औरत की है और वो मुस्तकिल काम कर रही हैं कुछ ना कुछ कर रही हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका तो ये रीज़न नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है या उनकी कैपेसिटी नहीं है करने की वो करती रही हैं तो हम अब ये कोशिश है पिछले तीस चालीस साल से कि क्योंकि हम मेरे जैसे स्कॉलर्स मुझसे पहले बहुत आई हैं उन्होंने भी कोशिश ये की है कि जो ख़वान का कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर हम ज़्यादा रोशनी डालें तोजह दें और स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें किताबें लिखें उसके बारे में जो वेमेंस हिस्ट्री कहते हैं तो हमारी कोशिश ये है कि वेमेंस हिस्ट्री औरतों का, की जो आ, हिस्ट्री है उस पर हम ज़्यादा फोकस करें ज़्यादा हम तोज्ह दें ताकि उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम उसको उसकी अहमियत हो उसको हम वैल्यू करें आ, उसकी उनके उनके अकॉम्पलिशमेंट से हम कुछ सीखें उनके जो नॉलेज उन्होंने हमें दी है उससे भी हम सीखें तो फर्स्ट हाफ़ ऑफ द लेक्चर में मैं ज़्यादातर यही बात करूँगी मैंने कुछ छः सात ख़वात के नाम मैंने चुने हिस्ट्री से Um, जिन के बारे में शायद आपने सुना होगा आ, लेकिन मैंने कहा या शायद नहीं सुना होगा वो भी मैं आपसे पूछूंगी, हम उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है फील्ड्स में आ, इस्लाम में और पॉलिटिक्स में लीडरशिप में और एजुकेशन में स्पोर्ट्स में साइंसिस में तो मैंने कुछ फील्ड्स चुनी हैं जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अहम है वैसे तो सारी फील्ड्स अहम होती हैं लेकिन जिनके जिसमें हमें लगता है कि शायद औरतों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो मैंने कह, कहा कि जो फेमस ख़वात हैं उसमें उनके बारे में मशहूर जो हैं या जो नहीं हुई हैं लेकिन जिनको होना चाहिए उनके बारे में हम थोड़ा सा सीखें डिस्कस करें और फिर थोड़ा इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं मतलब जेंडर तो हमने आ, थोड़ा सा मैंने डिफ़ाइन किया है कि जेंडर इज़ बेसिकली मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी कि हम जो सोसाइटी हमें बताता है कि औरत को इस तरह से बिहेव करना चाहिए मर्द को इस तरह से बिहेव करना चाहिए मर्द के हाथ में ये ये पावर होनी चाहिए औरतों के हाथ में ये पावर होनी चाहिए ये जो चीज़ें हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उस फील्ड को हम जेंडर कहते हैं कि ये फील्ड है सिर्फ अगर जेंडर का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ हम औरतों की बात कर रहे हैं हम औ, और औरत मर्द दोनों को देख रहे हैं उनकी रिलेशनशिप को भी देख रहे हैं उनके पावर पावर रिलेशनशिप को देख रहे हैं मतलब पावर किस तरह से वो लोग शेयर करते हैं या नहीं करते हैं किस तरह से डिवाइड होता है वो भी हम देखते हैं जेंडर के फील्ड में तो जेंडर रोल्स की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि हम जैसे लड़की लड़के होते हैं अगर हम कहें कि ये लड़की को इस तरह से एक्ट करना चाहिए इस तरह से बिहेव करना चाहिए उसको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए उसको ये मतलब स्पोर्ट्स नहीं खेलने चाहिए या बाहर नहीं ये ये जेंडर रोल्स होते हैं या अगर हम लड़कों की बात करें कि उसको आ, उसको रोना नहीं चाहिए उसको कमज़ोर नहीं होना चाहिए उसको भी इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए उसको इस तरह से बातचीत करनी चाहिए ये जेंडर रोल्स कहते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे आ, सीखेंगे पहले तो मैंने कहा कि आ, इस्लामिक हिस्ट्री को थोड़ा सा हम ले लें कि इस्लाम की हिस्ट्री में तारीख में औरतों का क्या किरदार रहा है और बहुत अहम किरदार रहा है आप लोगों को भी पता होगा तो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी इसमें आप लोगों को शायद पता होगा लेकिन मैंने कहा इससे हम शुरू करते हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी हमारी हिस्ट्री तो पहले से भी शुरू होती है लेकिन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए इवेंट है जब इस्लाम दुनिया में आया है तो मैंने कहा यहाँ से हम शुरू करते हैं तो पहले तो हज़रत खदीजा की बात हम करते हैं तो उनका तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस्लाम में लोग कहते हैं कि शी वॉज़ द फर्स्ट मुस्लिम वो पहली मुसलमान वही थी आ, मतलब उन्होंने पहली इस्लाम कबूल किया हज़रत रसूल जब इस्लाम जब लाए थे तो उनका तो बहुत ज़्यादा किरदार है इसके अलावा आपको पता भी है कि शी इज़ अ बिज़नेस वमेन मतलब वो बिज़नेस शादी uh, होने से पहले भी शी इज़ अ बिज़नेस वोमेन बहुत ज़्यादा वो कामयाब रही हैं और uh, तो वैसे वो दबी हुई कमज़ोर औरत नहीं थी तो हमारे लिए द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ वेरी स्ट्रांग पावरफुल वोमेन तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ हमारे लिए बहुत अहम uh, है और हमें उनको याद करना चाहिए और उनका जो रोल है उसको भी याद करना चाहिए कि वो ऐसी औरत नहीं थी जो अब घर में अगर कोई बैठता है या घर में सिर्फ वो रहती हैं काम करती हैं वो कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो उसके अलावा भी वो काम कर रही थी घर से बाहर और सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर में हम उसके बारे में भी बात करेंगे वमेंस एम्प्लॉयमेंट जो जॉब्स करती हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट क्या रेट क्यों इतना लो है तो वो भी उसके साथ लिंक्ड है उसका हजरत खतीजा के बाद मैं हज़रत के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि उनका भी बहुत वैल्यूबल बहुत अहम कंट्रीब्यूशन रहा है इस्लाम में हिस्ट्री में और इस्लाम की हम इंग्लिश में ट्रांसमिशन कहते हैं जो मतलब हदीस जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है हजरत आयशा ने सबसे ज़्यादा हदीसें उनके थ्रू आई हैं हमारे पास कोई किसी को पता है कि उन्होंने कितनी हदीसें मतलब लिखी थी या शेयर की थी उनके उनके ज़रिए कितनी हदीसें आई थी किसी को मालूम है मतलब मैं भी जब मैंने पढ़ा था मैं भी हैरान थी जब मैंने ये 400 के नहीं उससे भी ज़्यादा बाईस सौ एग्जैक्टली दो हजार दो सौ दस उन्होंने दो हज़ार दो सौ दस हदीसें उनके थ्रू आई थी सबसे ज़्यादा तो उनका तो बहुत ज़्यादा अहम कंट्रीब्यूशन उनका भी रहा है आम, रसुल्ला uh, ने उनके बारे में कहा था इंग्लिश uh, में मेरे पास है गॉड डज नॉट रिकॉर्ड योर आउटवर्ड फॉर्म्स मोर इफ़ इट इज़ प्रॉपर टू डराव टू थर्ड्स ऑफ आर रिलीजन फ्राम आयशा शिवली इट इज़ परमिसेबल टू टेक रिलीजस इंस्ट्रक्शन फ्राम अंड मेड ऑफ़ आयशा मतलब अगर टू थर्ड्स मज़हब का हिस्सा आपके पास हज़रत के थ्रू आया है तो उसके मतलब है कि आप अगर इस्लाम के बारे में सीखना चाह रहे हैं तो आप क्यों नहीं किसी और दूसरी खौतिन से हम आप क्यों नहीं सीखते हैं मतलब वो भी आपको सिखा सकती हैं इस्लाम के बारे में तो ये वसल्लम ने खुद कहा था उनके बारे में तो ये शुरू शुरू से औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा है इस्लाम के वाले से अब अगर हम सूफ़िज़म की तरफ आएँ क्योंकि हम मुल्तान में बैठे हैं और आप शायद प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं सूफीज़ के ऊपर मेरे ख़्याल से जो यहाँ पीर हैं जो मज़ार हैं और वो जो आ, आप मेरे ख़्याल से आप कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर तो एक बहुत मशहूर सूफी थी रब बसरी उसके उनके बारे में आपको मालूम होगा थोड़ा सा पता है अच्छा सही है तो आपको पता है कि वो किस कंट्री से ताल्लुक़ रखती थी अच्छा आपने इराक़ देखा वो इस ज़माने में इराक शायद नहीं था लेकिन अब जो हम इराक़ कहते हैं वो इराक में थी एट सेंचुरी में तो मतलब थर्टीन हंड्रेड तेरह सौ साल पहले बहुत पहले आ, और वो बहुत मशहूर थी आपने सुना भी होगा उनके बारे में मैंने भी बचपन में काफ़ी उनके बारे में सीखा था आ, उन्होंने कभी शादी नहीं की उन्होंने सिर्फ़ अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी लाइफ अल्लाह मियाँ के मतलब आ, इबादत में उन्होंने गुजारी थी आ, और वो बहुत ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है आ, एक बहुत मशहूर उनके बारे में वाक़ लोग शेयर करते हैं आपको शायद मालूम होगा उनके एक हाथ में वो पानी का जग रहता था और एक हाथ में टॉर्च पता है अच्छा तो उसकी उसकी क्या क्यों इस तरह से वो चलती थी शहर बिल्कुल ताकि वो लोग मियाँ को आ, मतलब आ, याद करें ना सिर्फ जहन्नम की डर की वजह से या जन्नत की मोहब्बत की वजह से दिल से मतलब प्योर जो लव कहते हैं वो वो चाहती थी कि वो लोग उस लिए मियाँ को याद करें इबादत करें तो उनका मेरे ख़्याल से बहुत ख़ूबसूरत बात है जो उनने सब के साथ शेयर किया था उसके बाद लीडरशिप की अगर हम बात करें पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के बारे में तो अब हमें लगता है कि अगर कोई ख़ातून प्राइम मिनिस्टर बनती है तो बहुत और वो है भी बहुत बड़ी बात अनफॉर्चुनेटली लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो औरतों का उसमें भी लीडरशिप में भी बहुत बड़ा रोल रहा है आपने रज़िया सुल्ताना का नाम सुना है <laughs> तो अच्छा तो उनके बारे में भी आपने सुना है तो शी वज़ अ क्वीन ऑफ़ द ममलुक डायनेस्टी, उन्होंने रूल किया था सिर्फ चार साल टवेल्व थर्टी सिक्स टू टवेल्व तो अगेन थर्टीन सेंचुरी चार साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका इम्पेक्ट था उनके दो भाई थे और उनके अबू जिनका नाम था सुल्तान इल्तुतमिश, उन्होंने उनको चुना था एज द एज़ हिज़ एयर मतलब उन्होंने अपने बेटों को नहीं चूज़ किया उन्होंने बेटी को चूज़ किया क्योंकि उन्होंने देखा कि तीनों में अगर वो देखें तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सबल उनकी बेटी थी तो उन्होंने बेटी को रखा उन्होंने बेटों को साइड में किया तो वो चार साल तक वो दिल्ली से उन्होंने ममलुक डायनेस्टी को रूल किया था ममलुक डायनेस्टी कुछ पाकिस्तान का हिस्सा कुछ इंडिया का हिस्सा मैंने नक्शे में भी आपके लिए डोंट नो आपको स्लाइड सही से नज़र आ रही है कोई को ख़ास नहीं ना अगर ये लाइट ऑफ ऑफ कर दें तो शायद लोगों को नजर आए तो एनी anyway, एक एक बड़ा सा एक हिस्सा है जो नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान को कवर करता है उन्होंने उस पूरे टुकड़े को रूल किया चार चार साल तक उन्होंने भी शादी नहीं की जब उन जब वो क्वीन बनी जब वो मालिका बनी तो उनकी शादी नहीं हुई थी और उन्होंने बाल अपने छोटे कटवाए उन्होंने उन्होंने पर्दा उतारा ट्वेल्व हंड्रेड में मतलब आठ सौ आठ सौ नौ सौ साल पहले उन्होंने अपना पर्दा उतारा जो बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनको लगा कि उसके साथ वो नहीं कर पाएंगी जो मतलब उनको करना है लीडरशिप और आ, बहुत वो मतलब जो गरीब लोग थे जो दबे हुए लोग थे सोसाइटी में वो ज़्यादा उनके लिए खड़ी होती थी तो उन्होंने ये किया था कि जो लोग उनकी किंगडम में जो लोग उनके उसमें रूलिंग में आ रहे थे उन्होंने जो गरीब लोग थे या जो अप्रेस थे जो दबे हुए लोग थे उन्होंने उनसे कहा ज़्यादातर लोग वाइट सफ़ेद कपड़े पहनते थे उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग आ, रंग बिरंगे कपड़े पहने कलर्ड कपड़े पहने ताकि हम लोगों को पता चले कि, कि किसको हेल्प चाहिए किसको मदद चाहिए ताकि हम आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो उन्होंने एक सिस्टम रखा था जिससे वो लोगों की आसानी से हेल्प कर सकती थी मदद कर सकती थी लोगों की वो सपोर्ट करती थी और उन्होंने ये भी किया था कि उनके महल के सामने उन्होंने एक घंटी लगाई थी एक बेल जिससे कोई भी आ सकता था कोई भी वो घंटी बजा सकता था अगर उनको कोई मदद चाहिए होती थी अब आप इमेजिन करें कि अब इस ज़माने में वो सिस्टम तो हम अगर किसी पॉलिटिशियन के घर जाएंगे वो तो हमें कभी नहीं इस तरह से एंटरटेन करेंगे मिलेंगे हमें कोई सोर्स चाहिए होगा फिर हमें इंतज़ार कराएंगे फिर पैसे भी खाएंगे फिर ये फिर, मतलब बहुत चीज़ें बदल गई हैं ये बहुत बेहतर है तो उन्होंने ये भी सिस्टम रखा था और सिर्फ चार साल तक उनकी रूलिंग थी लेकिन सौ साल बाद जब इब्न बतूता आए थे इस तरफ तो उन्होंने देखा कि लोग उनको रज़िया सुल्ताना को एक पीर की तरह मानते थे सौ साल बाद तो उन्होंने फिर लिखा उनके बारे में तो ये एक इसकी वजह से हमें फिर उनके बाल उनके बारे में मालूम अब है और आप लोगों ने भी शायद स्कूल में उनके बारे में सुना है सीखा था तो अभी तक मैंने जो नाम लिए हैं शायद आपको आपने सुने हुए होंगे या सीखा होगा उनके बारे में मैंने कहा ऐसी भी कोई मैं खातून निकालूं किताबों से जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना हो तो इंडोनेशिया का नाम सुना है मुल्क इंडोनेशिया ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया में uh, वो भी एक मुस्लिम मजॉर्टी कंट्री है और इंडोनेशिया uh, ने भी बहुत तरक्की की है तो इंडोनेशिया की हिस्ट्री में एक खातून है जिनका नाम है अब मैं शायद उसको गलत प्रनाउंस करूँगी क्योंकि मुझे वो उनकी ज़बान नहीं मालूम है उनका नाम है रादिन आजिंग कार उनका नाम आपने कभी सुना है राधिन आजेंगनी तो वो सौ साल पहले रहती थी और आ, उनकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी क्योंकि वो, वो भी बहुत स्ट्रांग थी उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने दूसरी फील्ड में काम किया एजुकेशन की फ़ील्ड में तो उस ज़माने में इंडोनेशिया जिस तरह से ब्रिटिश ने इंडिया पाकिस्तान पे राज किया था डेढ़ सौ दो सौ साल तक तो उस इंडोनेशिया में डच ने मतलब नदरलैंड जो अब कहते हैं उन्होंने उन पे राज किया था तो वो डच के अंडर थे इंडोनेशिया तो जो डच लोग थे उन्होंने उनकी एजुकेशन के बारे में ज़्यादा उनको फिक्र नहीं थी जाहिर सी बात है वो जिस तरह से ब्रिटिश ने भी यहाँ के लोगों की एजुकेशन की ज़्यादा उन्होंने तवज्जो नहीं दी Uh, उन्होंने भी इंडोनेशियन लोगों के लिए एजुकेशन और खास तौर से जो लड़कियां थीं या खुवात थीं उनके लिए तो बिल्कुल कोई एजुकेशन नहीं थी तो इन्होंने राधन आजिंग कार्तनी ने फिर लड़कियों का एजुकेशन का निज़ाम शुरू किया वहाँ उन्होंने एक स्कूल खोला जिसमें एक स्टूडेंट्स थी और वो पहली स्कूल थी जिसमें लड़कियाँ पढ़ रही थी तो उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत uh, दी और एक उन्होंने फिर सिलसिला शुरू किया इंडोनेशिया में गर्ल्स और वमेंस एजुकेशन की उसके साथ साथ वो डच के ख़िलाफ़ भी खड़ी हुई थी मतलब वो एंटी डच एंटी कलोनीलिज़म एंटी एम्परियलम उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने मुल्क के लिए अपनी मुल्क की आज़ादी के लिए तो उसमें भी उनका बड़ा आ, बड़ा रोल था जिस तरह से यहाँ भी कुछ ख़वात ने काफ़ी स्ट्रगल किया था हमारी आज़ादी के लिए तो अब इंडोनेशिया में जो मदर्स डे होता है जो मदर्स डे जो यहाँ भी होता है लेकिन मदर्स डे उनकी सालगिरह पे मनाई जाती है वो कहते हैं कार्तनी डे और उस दिन जो घर में शोहर और जो बच्चे होते हैं वो सारा घर का काम करते हैं और मदर्स को वो छुट्टी देते हैं वो कहते हैं आप कुछ ना करें आप ना मतलब बाहर काम करें ना आप घर के अंदर करें तो एक उनके लिए ये अच्छा गिफ्ट हर साल वो मिलता है जो इनके कार्तनी के नाम से वो लोग याद करते हैं उस दिन को तो ये भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है मैंने कहा उनकी स्टोरी भी आपने शायद सुनी नहीं होगी तो मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में वूमेंस हिस्ट्री के बारे में आपको बताया कि पिछले 1500 हंड्रेड ईयर्स में हज़ार पंद्रह सौ साल में कुछ मैंने औरतों के नाम सुने बहुत कम उसमें बहुत बड़ी तादाद होगी जो अभी तक इनविजिबल हैं आई होप आप लोग अब रिसर्च करें स्टडी करें और उन पे रोशनी डालें क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत है लेकिन अब आजकल के ज़माने में भी हम जो वेमेंस कंट्रीब्यूशन है जो औरतों का कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम आ, बहुत कम सुनते हैं बहुत कम सीखते हैं आ, तो एक आइडिया है कि जेंडर रोल्स की जब मैं बात करी थी के वीमेन एंड मैन आर बेटर बेर टू सर्टन जॉब्स बिकॉज ऑफ देर जेंडर तो कि जो औरत और मर्द होते हैं कुछ चीज़ें औरतें ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं कुछ चीज़ें मर्द ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं है। और उसमें फिर आ, मैं उस चीज़ को चैलेंज करती हूँ और मैंने जो एग्जांपल्स आपको आपके सामने मैं रखूँगी वो उस चीज़ को चैलेंज करते हैं मतलब मैं इस तरह की ख़्तिया के बारे में आपको बताऊंगी जो ये चीज़ वो ब्रेक करना चाह रही हैं जो बाउंड्री ब्रेक करना चाह रही वो कुछ डिफरेंट करती हैं और वो हमें जब उनकी स्टोरीज़ हम सुनते हैं तो हमें भी अंदाज़ा होता है कि औरतें सिर्फ मतलब लिमिटेड चीज़ें नहीं कर सकती हैं वो बहुत ज़्यादा उनका मतलब स्कोप है और वो बहुत ज़्यादा कर सकती हैं अगर सोसाइटी उनको करने दे और कुछ औरतों ने ये बाउंड्रीज़ ब्रेक की हैं ये जो आइडियाज़ है जेंडर रोल्स की मतलब हमें फिर कहाँ से ये आइडियाज़ आते हैं कि और औरतें सिर्फ़ ये ये काम कर सकती हैं ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती हैं कहाँ से हम ये चीज़ें सीखते हैं सोसाइटी से सोसाइटी हमें सिखाता सोसाइटी में फैमिली से हम ये बातें सीखते हैं स्कूल में हम ये बातें सीखते हैं मीडिया के ज़रिए बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आते हैं जो हमें बताती हैं कि औरतों का काम ये है मर्दों का काम कुछ और है और यू you नो know, फिर वो चीजें हमारी जहन में बैठ जाती है और ये चीजें चेंज या तब्दील करने के लिए बहुत मुश्किल होता है आम, ये चीजें बचपन बचपन से हमें फिर सिखाई जाती हैं जब हम बहुत छोटे होते हैं पैदा होते हैं तो उस वक्त से आपको बताया जाता है कि लड़की है तो वो सिर्फ पिंक रंग पहनेगी या फूल फूलदार कपड़े पहनेंगी या सिर्फ वो गुड़ियों के साथ खेलेगी और लड़के हैं तो वो सिर्फ कार्ड्स के साथ खेलेगा या बाहर जाके खेलेगा या ब्लू रंग पहनेगा तो ये चीज़ें बचपन से आपको आपकी जहन में बिठाई जाती हैं और एक फिर आप कंप्यूटर की तरह आप वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं और बाद में फिर आप उस चीज़ उन चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करते हैं तो एक मेरा मकसद था आज के आपको वो चीज़ें आप थोड़ा सा क्वेश्चन करें मतलब कि ये चीज़ें क्यों हैं और ये वाकई में ये कोई साइंस है इसके पीछे या ऐसी सोसाइटी ने हमने हमें इस तरह से बताया है सिखाया है कुछ चीज़ों को हमें क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अगर हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर हम उन चीज़ों में हम बाउंड रहेंगे हम अपनी पोटेंशल एज अ वुमेन हम कभी रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे और इवन जो मर्द हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी भी दिमाग में बिठाया जाता है कि आप मर्द हैं तो आप ये ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप घर में हेल्प नहीं कर सकते हैं जबकि ऐसी क्यों कोई बात नहीं है आपको पता है कि जो सबसे मशहूर शेफ्स हैं दुनिया में वो मर्द होते हैं तो फिर वो घर में क्यों नहीं हेल्प कर सकते हैं किचन में मतलब ये कोई सोच सोचने वाली बात है कि उसमें क्या उसमें कोई मर्दानगी के ख़िलाफ़ तो कोई चीज़ नहीं है या जैसे मेरा एक स्टूडेंट है अभी वो मेल नर्सेज को स्टडी कर रहा है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है जो अस्पताल में नर्सेज़ हैं वो जो मर्द होते हैं वो भी ये इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको बताया जाता है कि नहीं ये ज़्यादा अगर औरतें करें तो ये बेहतर है उनके लिए तो ये चीज़ें भी हमें क्वेश्चन करनी चाहिए ये ना सिर्फ औरतों को ये लिमिट कर रही हैं ये मर्दों को भी ये बाउंड्रीज़ फिर लिमिट करती हैं अब अगर हम पाकिस्तान को देखें तो आपको ऐसी कोई ख़ातून है आपके जहन में जो इन चीज़ों को चैलेंज करती हैं Even, हाँ बताएं? में मलाला हाँ हाँ तो दो एक दो बहुत मशहूर एग्जाम्पल है मलाला यूसुफ साई जो अब वो ऑक्सफर्ड में माशाल्लाह उन्होंने दाख़ला लिया है एंड वो बहुत ज्यादा मतलब दुनिया में मशहूर हुई हैं और वो एजुकेशन और पीस के बारे में बात करती हैं फिर भी लोगों को उनसे कुछ क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है जब कोई लड़की या कोई औरत बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है या बहुत स्ट्रांग होती है बहुत बोलने लगती है तो फिर बहुत सारे लोग उसके बारे में स्टोरीज भी बनाते हैं तो एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल ये है कोई और हैं मैंने उस तरह की कुछ शायद आपने सुना होगा समीना बेग का नाम सुना आपने समीना बेग आ, मुझे उनकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है मैंने पहली बार हंजा विज़िट किया समझ में आप में से कोई गया है हन्जा कभी हाँ तो बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान का हिस्सा तो समीना बेग भी नॉर्दन हंजा से हैं और क्योंकि वो पहाड़ों में पैदा हुई हैं तो उनके अंदर भी वो मतलब वो टैलेंट है कि वो पहाड़ क्लाइम कर सकती है लेकिन फिर भी उन्होंने बाउंड्रीज़ को तोड़ के वो आगे निकल गई हैं और उन्होंने शी इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट तो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे हाइस्ट पीक है वो उनके उसके पीक तक वो पहुंच गई थी मैंने उनके बारे में छोटा सा मैंने कहा क्योंकि मैं अगर मुसलसल बात करूंगी आप शायद बोर हो जाएंगे तो मैंने थोड़ा सा एक छोटा क्लिप उनके बारे में निकाला है वो हम देख सकते हैं अगर अब मल्टी काम कर रहा है के छोटे से गांव शिमशाल में पैदा हुई जिसके हाइट जो है वो मीटर थ्री सी लेवल है तो यहाँ की जिंदगी बहुत मतलब ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा है पे हमारे जो गांव है उसके इर्द गिर्द पहाड़ी पहाड़ है इन पहाड़ों के साथ रहते हुए मुझे मतलब एक दोस्ती हो गई थी कि मैंने इन्हीं पर चढ़ना है और बस मैंने ये प्रोफेशन लेना है तो बचपन से मुझे शौक था उसका एक्सप्रेशन था वो कहती थी, थी कि मुझे पहाड़ों पे भी जाना है मुझे ड्राई माउंटेन्स पे नहीं बल्कि जो आइसी माउंटेन है उस पे जाके उन पर मुझे क्लाइम करना है हम लोगों ने स्टार्ट किया तो तीन दिन लगे हमें बेस कैंप तक पहुंचने के लिए फिर उसके बाद हम लोगों ने हाई कैंप स्टैब्लिश किया और जब हम लोग चश्मीन पे जा रहे थे तो हाई कैंप से तकरीबन ट्वेंटी मीटर के बाद के बाद मेरे जो पाँव थे वो सुन हो गए थे पाँच हजार आठ सौ पाँच हजार कुछ तो लम्बों के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे लेग बिल्कुल सुन हो गया था फिर अल्लाह की मदद से हम लोगों ने कर लिया सेमट पे पहुंचने के बाद जो फीलिंग होती है वो अनफॉर्गेटेबल और अनबिलीवेबल होता है क्योंकि फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन और पाकिस्तान के जो फ्लैग में हाथ में लेके ऊपर रो रही थी वो मतलब इंतहाई खुशी का मकाम था मेरे लिए और वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती जब पाकिस्तान के तो वे 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 एक लड़की अगर एक पहाड़ सर कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है चाहे वो मतलब किसी भी प्रोफेशन में हो किसी भी फील्ड में हो उस, उसके लिए उस, उसके लिए हार्ड वर्किंग पैशन commitment or uh, uh, encouragement falls away. स्वीट आप लोग क्लाफ करें जिस तरह से मैंने वो फिल्म बनाई <laughs> लेकिन उनकी स्टोरी है मतलब क्लाफ करने लायक है उनके बारे में क्योंकि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया और ये भी ग़लत फहमी होती है ना बाहर के मुल्कों में कि पाकिस्तानी जो खौतान हैं वो बहुत कमज़ोर है वो बहुत दबी हुई हैं कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो उन्होंने ये चीज़ को भी प्रूव किया कि ये मतलब सबसे जो ऊंचा पहाड़ है दुनिया में यहाँ की खातून ने उसको जब क्लाइम किया और कॉन्कर किया तो बहुत बड़ी बात है तो समीना बेग के बारे में तो ये होता है ना कि स्पोर्ट्स में लड़कियाँ पीछे हैं कमज़ोर हैं नहीं कस फिज़िकल स्टैमिना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ को करने की मैंने थोड़ी सी क्लाइंबिंग की कोशिश की समझ में जब मैं हनजा गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितना वो मुश्किल काम है आ, तो एक वो है उनके बारे में एक ये भी गलत फहमी होती है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में लड़कियां कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छी होती हैं कुछ में बुरी होती हैं और लड़के कुछ में अच्छे होते हैं कुछ में बुरे होते हैं वो शुरू से आपको बताया जाता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको लोगों को लगता है कि लड़के उसमें ज़्यादा अच्छे हैं मैथ्स तो मैथ्स इज़ नंबर वन मैथ्स में आपको बताया जाता है कि लड़की ज़्यादा तेज़ है लड़कियाँ पीछे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है वो पी एच डी है माशा मैथ्स में जर्मनी में वो काम कर रही है वो लाहौर की नहीं कराची की है और वो वहाँ काम कर रही है उसने भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं तो ऑबियसली ये चीज़ सच ट्रू नहीं होती है सच नहीं होती है लेकिन शुरू में जब आपको बताया जाता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं तो आप वो चीज़ मान लेती हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन ऐसे लड़कों के लिए भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बताया जाता है लड़कों को कि आप लोग नहीं कर सकते हैं उस कौन से सब्जेक्ट्स होंगे बायो केमिस्ट्री <गेणियो> <खेणिस्ट्रे> इंटरेस्टिंग <दीश्ट्रे> बायो और अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो लड़कों को बताते हैं कि आप नहीं कर सकते हम हमारी यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस को कहते हैं कि लड़के नहीं कर सकते हैं और सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ उसमें अगर हम इंट्रोडक्टरी कोर्स में बराबर होता है लड़की लड़के लेकिन जब हम अपर लेवल कोर्सेज में जाते हैं तो लड़के कम होते चले जाते हैं अब मैं एक कोर्स पढ़ा रही हूँ जनरल के हवाले से उसमें थर्टी एट लड़कियाँ हैं और तीन लड़के हैं जबकि उनको दिलचस्पी है उस सब्जेक्ट में लेकिन वो नहीं ले सकते हैं वो नहीं ले सकते हैं क्यों क्योंकि उनकी फैमिली उनको बताती है आप लोग इस ये पढ़ेंगे तो फिर आपको नौकरी नहीं मिलेगी लोग क्या कहेंगे ये वो तो लड़कियों के साथ भी होता है लड़कों के साथ भी होता है उसकी वजह से जिस चीज़ में आपको दिलचस्पी है और या जिस चीज़ में आपको टैलेंट है वो चीज़ आप नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं चाहे आप लड़की हो या लड़का हो आप लिमिटेड रहते हैं हो सकता है कोई लड़का हो जो बहुत अच्छा हो केमिस्ट्री में लेकिन वो अच्छा केमिस्ट नहीं बन पाता है क्योंकि बचपन से वो बताया जा रहा है कि आप ये नहीं पढ़ सकते ये लड़की है जो मैथ्स में या और भी सब्जेक्ट्स हैं साइंसेस के कंप्यूटर साइंस बिजनेस वो लोग डिस्करेज करते हैं लड़कियों को कि आप ये सब्जेक्ट ना पढ़ें तो बेहतर है तो ये वो पोटेंशियल अपनी इसमें ना, आगे आगे के अंदर। जी क्योंकि फिर आपको बाहर जाना होगा फिर आपको लोगों से मिलना होगा आपको फील्ड में जाना होगा तो इसकी वजह से फिर जो उनके अंदर ख्वाहिश है पोटेंशल है हो सकता है उस सब्जेक्ट में उनका पैशन है और लेकिन वो नहीं रियलाइज़ कर पाती हैं उसकी वजह से तो मैंने मैथ्स का एक बहुत एक रिसेंटली एक एग्जाम्पल दुनिया में न्यूज़ में आ, सुनने को मिला था मुझे बहुत मैंने अच्छा पहले तो मैं बताऊं कि ये मैंने बताया था कि जनरल रोल्स कहाँ से हमें बताए जाते हैं तो एक तो मार्केटिंग होती है एडवर्टाइजिंग होती है जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता आपकी सोच को कि आपके कपड़े किस तरह से आपको पहनना चाहिए ये लड़कियों के लिए टी शर्ट्स हैं जो अमेरिका में शायद वो मार्केट कर रहे थे तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि इसमें लिखा एलर्जिक ट्जब्रा मतलब मुझे एलजब्रा से एलर्जी है मतलब इसका क्या मतलब है ठीक है ये जोक है लेकिन ये जोक्स भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो बैठ जाते हैं कि अच्छा लड़की है तो वो मैथ्स नहीं कर सकती या आई एम टू फ्रिटी टू डू मैथ मतलब मैं इतनी प्यारी हूँ कि मैं मैथ्स नहीं कर इसका क्या मतलब है? अगर आप प्यारी हैं या शक्ल आपकी अच्छी आप मैथ्स नहीं कर सकती हैं देखिए बहुत स्टूपिड बात है तो ये चीज़ें आपके जहन में उस तरह से भी बिठाया जाता है कि आप ये कपड़े पहनेंगी आप देखेंगी तो फिर आपको लग रहा कि हाँ नहीं अगर मैं खूबसूरत होना चाहती हूँ तो फिर मैं मैच नहीं करूँगी लोग मैच करते हैं वो पता नहीं बशक्ल हो जाते हैं तो खैर तो ये है आ, मरियम मिर्जा खानी इनका नाम सुना आपने अच्छा शी इज समर्स में इट्स वेरी सैड उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और वो जुलाई सेवनटीन अभी पिछली जुलाई में उनकी डेथ हो गई शीव मतलब uh, 1977 में पैदा हुई थी वो सिर्फ चालीस साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ है लेकिन उन्होंने इतना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है शी वन समथिंग कॉल्ड द फील्ड्स मेडल तो मैथ्स में जो नोबेल प्राइज़ नहीं है मैथ्स में नोबेल प्राइज़ को फील्ड्स मेडल कहते हैं मतलब जो सबसे uh, बड़ा अवार्ड है दुनिया में उन्होंने जीता अब मैं आप क्योंकि मैं सैडली मेरी भी मैथ्स कमज़ोर है तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो क्या उनकी थीरी क्या थी तो जियोमेट्री में उन्होंने कोई नई थीरी निकाली थी और वो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी वो वहाँ प्रोफेसर थी तो शी आ, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मैथ्स की फील्ड में है तो मैंने उनका एग्जाम्पल आपके सामने रखा क्योंकि मुझे लगा कि ये जो जो ग़लत फहमी है कि मैथ्स लड़कियां नहीं कर सकती हैं तो इस तरह के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो ये तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो चैलेंज कर रही हैं वो इस बाउंड्री को वो ब्रेक कर रही हैं अच्छा ये जो जेंडर रोल्स अगर हम चैलेंज करने की बात करें तो ये अभी तक तो मैंने इंडिविजुअल औरतों के बारे में बात की है मतलब अकेली औरत कोई उन्होंने कुछ किया है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लेकिन इनके पीछे एक पूरी स्ट्रगल होती है तो ये आप नहीं सोचें कि सिर्फ एक ठीक है एक शख्स बहुत कुछ कर सकता है लेकिन अगर आप मिल जाएं तो फिर आपका और भी ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन आपका ए, मतलब इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है तो कलेक्टिव स्ट्रगल्स जिसको मूवमेंट तहरीक कहते हैं तो औरतों के ख़वान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहरीकें चली हैं दुनिया में पाकिस्तान में भी मतलब इस पूरे रीजन में बर सगैर में अफ्रीका uh, में मिडल ईस्ट में और यूरोप नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा uh, तहरीकें चली हैं अभी भी चल रही हैं जो औरतों के हकूक़ के बारे में uh, काम करती हैं स्ट्रगल करती हैं और जो ये इंडिविजुअल औरतें निकलती हैं उनके पीछे अगर ये तहरीक नहीं होती है तो फिर उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा तो उनका भी हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखना चाहिए कलेक्टिव um, स्ट्रगल्स के बारे में अगर बात करें um, कलेक्टिव स्ट्रगल मैंने कहा कि आ, वोटिंग के बारे में अगर आपने पाकिस्तान में वोटिंग औरतों को राइट टू तो वोट कब मिला था आपको पता है 1950s में मिला था तो अभी भी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें वोटिंग राइट्स औरतों तो राइट को नहीं मिली हैं लेकिन ये जो स्ट्रगल है कि औरतों का भी इलेक्टोरल प्रोसेस में डेमोक्रेसी में उनका भी हिस्सा होना चाहिए बराबर उनका वोट होना चाहिए अभी भी पाकिस्तान में अगर हम वोट को देखें तो औरतों के वोट्स हमेशा कम होते हैं क्योंकि लोग उनको जाने नहीं देते बाहर वोटिंग के लिए या बीच में वहाँ जब वो देने मतलब तो वोट देने जाती हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ हो जाता है उनकी वोट उनका वोट नहीं हो पाता है तो वो अभी स्ट्रगल जारी है इवन नो लीगली हमें राइट टू वोट तो है तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हम अगर दुनिया में देखें कि राइट टू वोट कब मिला औरतों को हिस्टोरिकली तो इस मैप में अगर हम देखें तो वो ओवर टाइम वो दिखाता है कि किस कंट्री में औरतों को कब राइट टू वोट कब मिला था और ये आई थिंक इसमें कोई साउंड नहीं है वो बस एक मैप ये दिखा रहा है कि जब कंट्री लाल हो जाती है तो उसको फुल राइट टू वोट औरतों को मिल जाता है तो 1900 में बहुत नॉर्दन यूरोप में कुछ कंट्रीज थी जिसमें राइट टू वोट 1913 अभी तक अमेरिका में साउथ अमेरिका अब पूरे सोवियत यूनियन में अमेरिका में 1920 में हुआ था और अभी तक हमारे यहाँ नहीं आया है राइट टू वोट 1930 धीरे धीरे अब मैप में रंग आ रहा है विच मीन्स के राइट टू वोट अभी धीरे धीरे मिल रहा है इंडिया में पिंक मीन्स के Full rights नहीं मिली अब 1950 पाकिस्तान में, में, 1955 में. तो ये जो वोट right मिला था औरतों को, ये इसके पीछे पूरी स्ट्रगल थी एक औरत ने नहीं कहा कि मुझे वोट करना तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो नहीं पूरी एक तहरीक थी जिसमें मर्द भी थे औरतें भी थी उन्होंने मिल के फिर स्ट्रगल किया कि औरतों और मर्दों का एक ही बराबर हिस्सा होना चाहिए डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि इक्वालिटी सबका वोट होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो उसका मतलब औरतों का भी वोट होना चाहिए अब रिसेंटली आई थिंक सऊदी अरब में अभी तक तो नहीं नहीं तो इस वक्त तक 2014 तक तो नहीं हुआ था तो अभी भी स्ट्रगल इसके लिए जारी है लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा मैंने कहा कि ये चीज़ भी हम थोड़ा सा इस पर तवज्जो तो दें कि राइट टू वोट कब मिला था जी में फाटा में लेकिन अच्छा लीगली होना चाहिए नहीं लीगली रिसेंटली उन्होंने दिया तो ये भी है कि मतलब पूरे पाकिस्तान में आ, अभी तक ये राइट शायद सबको नहीं मिल रही है कलेक्टिव स्ट्रगल्स अगर हम तरीकों की बात करें तो वुमेंस राइट्स की भी मूवमेंट्स हैं लेकिन और भी जो तरीके चली हैं औरतों का उसमें भी बहुत अहम किरदार रहा है यहीं पास में जब लाहौर से यहाँ आते हैं तो ओकाड़ा आता है बीच में पता नहीं आप में से कोई ओकाड़ा का है वहाँ एक स्ट्रगल चल रही है जद्दोजहद चल रही है वहाँ की जो पेजेंट्स हैं वो अपने ज़मीन के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल में उस जद्दोजहद में औरतों का बहुत ज़्यादा किरदार है वो लीडरशिप रोल्स में आई हैं तो उन्होंने ये उसको कहते हैं थप्पा फोर्स तो थप्पा उससे कपड़े धोते हैं शायद थापा, थापा अच्छा थप्पा तो थप्पड़ था, थापा <laughs> तो कपड़ों को जो जिससे धोते हैं वो उन्होंने लिया हाथ में एज ए सिंबल ऑफ देयर पावर अपनी ताकत का उन्होंने सिंबल बनाया और थापा फोर्स उन्होंने बनाया और वो बाहर गई उन्होंने स्ट्रगल किया उन्होंने आ, प्रोटेस्ट किया कि उनको अपनी ज़मीन की राइट्स उनको चाहिए वो सौ साल से ज़्यादा आ, हो गए हैं अभी तक उनको राइट नहीं मिली है उस जमीन की जबकि वो काम कर रही हैं वो दोनों मर्द औरत मिल के कर रहे हैं तो उन्होंने औरतों का उसमें बहुत बड़ा, बड़ा किरदार रहा है <laughs> तो वो आ, पास में ही है एक तस्वीर है ये उनके हाथ में वो थापा है और एक और भी स्ट्रगल है शायद आपने इनके बारे में सुना नहीं होगा चिपको के नाम से चिपको के बारे में सुना है <laughs> अच्छा चिपको नाइनटीन में 1973 में अभी इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था अब उत्तराखंड हो गया वहाँ वहाँ की आप पता नहीं आप तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है वहाँ की जो औरतें थीं उन्होंने वो चिपक गईं दरख्तों से उसकी वजह से उन्होंने अपना मूवमेंट का नाम चिपको लिखा है चिपको मूवमेंट वो चिपक गईं क्योंकि एक कंपनी आ रही थी जो उनके दरख्त को काटने की कोशिश कर रहे थे अब दरख्त तो उनकी लाइवलीहुड थी उनका मतलब गुजर बसर उसी से हो रहा था वह उसके फल उसका वो जो सारा कुछ मतलब उनकी ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द चलती थी तो जो बड़ी कंपनी आई लंबर कंपनी के वो उसको क्लियर करके करेंगे उसको बेचेंगे तो वो चिपक गई और उन्होंने अपनी फॉरेस्ट को बचाया और अभी तक ये मूवमेंट चल रही है लेकिन उसमें भी औरतों का औरत मर्द मिल उन्होंने काम किया लेकिन उनका बड़ा किरदार रहा है इसमें तो मैंने कहा उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता चले अब मैंने लिखा है वी कैन डू इट अलोन तो अगर हम खातन के बारे में बात करें तो उनके साथ साथ मर्दों का सपोर्ट ज़रूरी है सिर्फ सिर्फ ख़वा अगर अकेली स्ट्रगल करेंगी तो कोई तब्दीली नहीं आएगी मतलब थोड़ी बहुत आएगी लेकिन उनके साथ मर्दों को सपोर्ट करना बहुत लाजमी है अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आधी गाड़ी चलेगी और आधी पीछे रह जाएगी और वो चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएगी और हिस्टोरिकली अगर हम हिस्ट्री में देखें तो मर्दों ने भी बहुत सपोर्ट किया है अब आप ज़्यादातर अगर मैं अपने आप को फेमिनिस्ट कहूँ मतलब मैं औरतों के हकूक़ के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैं मर्दों को पसंद नहीं करती हूँ या नफ़रत करती हूँ ये तो बहुत गलत है क्योंकि मर्दों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अगर उन चंद मर्द नहीं होते सपोर्ट करने के लिए तो ये सारी जो तब्दीलियाँ आई हैं अभी तक वो नहीं आ सकती थी तो शुरू में भी मैंने बताया कि हमारे रसूल ने भी सपोर्ट किया था अपनी वाइफ़ को भी सपोर्ट किया था अपनी बेटी को भी सपोर्ट किया था तो अगर हमारे रसूल ने सपोर्ट किया था तो फिर अभी भी बहुत मतलब लाजमी है कि मर्द हज़रात हमें सपोर्ट करें अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी और हिस्टोरिकली अगर हम मर्दों का रोल देखेंगे तो आ, एक साहब थे इबन रश्त के नाम से और वो अंदलूस में होते थे जो अब स्पेन का हिस्सा है तो अंदलूस में भी मुसलमानों का वो उस जमाने में उनका था उनकी डायनेस्टी थी और उन्होंने ये जेंडर रोल्स को उस जमाने में ट्वेल्व सेंचुरी में चैलेंज किया था उन्होंने कहा था इन आर स्टेट्स दी एबिलिटी ऑफ वुमेन इज़ नॉट नोन बिकॉज दे आर मेयरली यूज फॉर प्रोक्रिएशन They are placed at the service of their husbands and relegated to the business of procreation, child rearing, but this denies them their activities because women in these states are considered unfit for human virtues. To usme wo basically asan zaban me ki kyunki humne sirf ordo ko bacho ko paida karnen me unki parvish ke liye वो फिर बाउंड रहती हैं उनका कंट्रीब्यूशन हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं वो लिमिटेड रहती हैं तो ये हम बहुत गलत कर रहे हैं ये बात उन्होंने ऑलमोस्ट हज़ार साल हो गए उन्होंने उस वक्त कहा था और अभी तक मेरे ख्याल से हम यही बात कर रहे हैं लेकिन लोग आ, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं लेकिन इनशाला आई होप कि अब धीरे धीरे चेंजेस आ रही हैं क्योंकि जनरल क्वालिटी अगर हम सब बराबर होंगे तो ना सिर्फ ये औरतों के लिए अच्छा होगा ये मर्दों के लिए भी अच्छा होगा पूरी सोसाइटी के लिए अच्छा होगा मतलब उसी से प्रोग्रेस आएगा तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया लेक्चर का एक छोटी सी और एक मर्दों के हवाले से एक मैंने छोटी सी नई एक एडवर्टाइजमेंट इसने टेलिनोर वालों ने निकाली है पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं ये जेंडर रोल्स को हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये चैलेंज कर रहे हैं और मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा कि यहाँ भी अब मीडिया भी शायद आ, इस चीज को समझने लगी है कि हमें चैलेंज करना चाहिए एक मिनट का है तो ये मैं आपको दिखा दूँ और फिर हम पाँच दस मिनट क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं फिर नेक्स्ट uh, पोर्शन में चले जाएंगे एक यहां, मैं दुनिया वालों को सेटिस्फाई ना कर सका डॉक्टर इंजीनियर नहीं स्टेट होम डी जॉब करती है कहीं से कोई मर्दानी या टप्पा लगता है इंजीनियर चेक गुस्सा चेक मुझे चेक मुबारक हो <laughs> आप मर्द बन गए माय मॉम वो एक्चुअली um, घर से काम करता है नो no, मॉम, मैं घर पे ही काम करता हूं मास्टर शेफ लेवल का खाना भी बनाता हूं अब आप मुझे मर्दानगी का सर्टिफिकेट देना दें आरोग्य मैं और मेरे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स काफी खुश हैं क्योंकि मैंने वो किया जो मैंने चाहा अच्छा अब इसके लिए तालियों की जरूरत नहीं है